हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनेट। स्वागत है आप सबका डाउटनेट की सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो, एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आपको पता ही है इन्फर्नो क्लासेस चल रही हैं हमारी फ़िलहाल, जिसमें हम आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं, एंड सोशल साइंस की क्लासेस आप लोग मेरे साथ कवर कर रहे हो। पिछले लेक्चर में हमने पॉल साइंस का मतलब सिविक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करा था, एंड चैप्टर का नाम था पॉलिटिकल पार्टीज। आज उसी चैप्टर को हम लोग थोड़ा और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास, जब तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होगा, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एंड सिविक्स का एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो उस चैप्टर की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री हम लोग प्रीवियसली कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको लग रहा है कि हिस्ट्री मैम कब कराएंगी, तो हिस्ट्री हम लोग कवर कर चुके हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा हो चुका है। अभी फ़िलहाल हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़। काफ़ी सारी चीज़ें हमने कल के क्लास में डिस्कस कर ली थी, आज हमें थोड़ा आगे कंटिन्यू करना है। ओके, चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, ठीक है? तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ही पढ़ रहे थे कि कुछ मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे इंडिया की कौन कौन सी हैं, ठीक है? तो ये हमने थोड़ा पढ़ लिया था, इसे मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि अगर मैं बीच में से स्टार्ट करूँगी तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके बारे में आपके बुक्स में भी लिखा हुआ और आपको पता होना चाहिए, इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये नाम काफ़ी बच्चों ने सुन रखा होगा क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर में ये नाम बार बार आता रहता है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो करा। तो कांग्रेस के बारे में एक पॉइंट जो कि आप सारे बच्चों को पता होगा वो ये है कि कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, है ना? हिस्ट्री बुक्स में हम अक्सर कांग्रेस के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ये एक पॉइंट सबको पता होगा कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे ताकि हमें आज़ादी मिल जाए, उस टाइम के अराउंड कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। इतना तो आता है सबको, ठीक है? आगे और चीज़ें समझते हैं कांग्रेस के बारे में। तो ये सिंबल है कांग्रेस का, ठीक है? एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, पर हम इसे पॉपुलरली लोग इसे सिर्फ कांग्रेस कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ये सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। इस लाइन का मतलब है कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी उस टाइम पे, उनमें से एक ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ये है। 1885 में फाउंड किया गया था कांग्रेस को, पर 1885 के बाद कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी में बीच बीच में काफ़ी सारे चेंजेस आते रहे, ठीक है? ऐसा भी हमने देखा कि कहीं पे स्प्लिट हो रहा है कांग्रेस, ठीक है, कहीं पे फिर वापस वो लोग रिजॉइन कर लेते हैं। तो कांग्रेस में काफ़ी सारे चेंजेस आए, पर 1885 में इसे फाउंड किया गया था। एंड लाइक आई टोल्ड यू, हम लोगों ने देखा है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के दौरान जो भी मूवमेंट चल रहे थे, उस दौरान कांग्रेस का एक बहुत ही डोमिनेंट रोल था, मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल था हमें आज़ादी दिलाने में। ओके, चलो। सो जब जवाहरलाल नेहरू जी लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि कांग्रेस जो है ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मकसद क्या है, टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, ठीक है? ऐसा कहा कि मेन एम क्या है कांग्रेस का, कि हमें एक मॉडर्न सेक्युलर का क्या मतलब है, हमने पढ़ रखा है, हमारे संविधान में भी लिखा जाता है सेक्युलरिज्म, है ना? सेक्युलर मतलब सारे रिलीजन को इक्वल मानना, ठीक है? ऐसा नहीं करना हमें कि किसी एक रिलीजन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, एंकरेज कर रहे हैं, हमारे लिए सारे रिलीजन्स एक हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि हम लोग मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं इंडिया को। ओके, नेक्स्ट 1977 तक तो सेंटर में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, 1977 तक कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, एंड उसके बाद हम देखते हैं 1980 से लेके 1989 तक भी पावर में थी कांग्रेस। पर 1989 के बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस की जो पावर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती है, मतलब इनकी पावर थोड़ा बहुत कम होने लग जाती है।
पर आज के टाइम पर भी कांग्रेस एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस को हम कहते हैं कि कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हम कहते हैं लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। ठीक है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा ना कि लेफ्टिस्ट पार्टी ये कह रही है, राइटिस्ट पार्टी ये कह रही है। तो इसका अगर मैं ऊपर ऊपर से मतलब समझाऊं तो लेफ्टिस्ट मतलब ऐसे लोग जो थोड़ा रिफॉर्म चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं सिस्टम में, राइटिस्ट नहीं चाहते बदलाव। सेंट्रिस्ट मतलब ऐसे लोग जो मतलब ना ही लेफ्ट की साइड ले रहे हैं ना ही राइट की साइड ले रहे हैं, अपना अलग सिस्टम संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रिस्ट पार्टी हैं एंड ये लोग इस चीज़ के ऊपर इनका एम्फोसिस रहा है कि हमें वीकर सेक्शन को प्रमोट करना है, सोसाइटी में जो भी वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको प्रमोट करना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, माइनॉरिटी जो भी ऐसे कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिनका कंपैरेटिवली नंबर कम है, ठीक है, जिनका पॉपुलेशन कम है, जिनको मे बी सोसाइटी में थोड़े राइट्स कम मिल रहे हैं, उनको एंकरेज करना कांग्रेस ने कहा है कि ये इनकी वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाना, ये भी कांग्रेस ने कहा है कि ये इम्पोर्टेंट समझते हैं। एंड आज के डेट में UPA मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है ना, सो ये एक अलायंस है जिसके बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सो UPA के करंट लीडर्स हैं कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ लिया। तो क्वेश्चन देखो आपके पास ऐसे आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन INC, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी दो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में नोट्स लिखो। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से जो भी दो आपको सबसे अच्छे से याद हो वो लिख के आ जाना। ठीक है, चलो तो कांग्रेस हो गया। नेक्स्ट, BJP के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। BJP की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी। अब इसे कब फॉर्म किया गया था, बीजेपी को फॉर्म किया गया था 1980 में। ओके, और कैसे फॉर्म किया गया था, बाय रिवाइविंग भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके बीजेपी को बनाया जाता है। ठीक है, अब रिवाइव करने का क्या मतलब है, किसी चीज को फिर से जिंदा कर देना। ठीक है, किसी चीज को फिर से लाइफ देना। तो भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके बीजेपी को बनाया। इनका एम क्या है, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न कंट्री बनाना। और कैसे बनाएंगे ये, बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एशियंट कल्चर एंड वैल्यूज। इंडिया के एंशियंट कल्चर और इंडिया के वैल्यूज से इंस्पिरेशन लेते हुए इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न कंट्री बनाना, ये बीजेपी का एम है, मकसद है। तो ये मैंने आप बच्चों को कल भी बताया था एंड मैं आप बच्चों को बताती रहती हूँ जब भी हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं कि इस लाइन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग सुनो। कल्चरल नेशनलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के पॉलिटिक्स में उनके लिए कल्चरल नेशनलिज्म या फिर हिंदुत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हिंदुत्व सुन के हमें क्या लगता है कि मे बी हिंदुइज्म रिलीजन की बात हो रही है ना, सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मे बी ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए हिंदुत्व हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है इसका मतलब। ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हिंदू आ रहा है तो कन्फ्यूज नहीं हो जाना। हिंदुत्व वर्ड का मतलब होता है कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब इंडिया के कल्चर के लिए एक लव एंड डिवोशन रखना कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना है, इस थिंकिंग को हिंदुत्व कहते हैं। ठीक है, तो मतलब रिलीजन के साथ रिलेट नहीं करना है। नेक्स्ट, बीजेपी ने यह भी कहा था कि हम फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहते हैं जम्मू और कश्मीर का, मतलब हम जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉपर तरीके से इंडिया के साथ कंबाइन इंटीग्रेट कनेक्ट करना चाहते हैं। आज की डेट में बीजेपी ने ये कर भी दिया है। ठीक है, एंड ये भी कहा था कि हम लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज लाना चाहते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग किस रिलीजन से हैं। ठीक है, जब तक वो इंडिया के सिटीजन हैं हम लोग सबके लिए सेम टाइप के लॉज बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि 1990s में
बीजेपी का सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इससे पहले क्या था, 1990 से पहले क्या था, सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट के अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज मतलब जो थोड़े शहर जैसे एरियाज हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पे बीजेपी का सपोर्ट ज़्यादा था। पर 1990s तक आते आते हम देखते हैं धीरे धीरे साउथ में भी, ठीक है, सदर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में भी, रूरल एरियाज में भी, गांव वाले एरिया में भी धीरे धीरे बीजेपी का सपोर्ट बढ़ने लग जाता है। 1998 तक आते आते ये लोग पावर में आ जाते हैं और ये लोग NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लीड करने लग जाते हैं। 2014 तक आते आते हम लोग देखते हैं कि बीजेपी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। ओके, सो 2014 तक आते आते बीजेपी ने मतलब प्रॉपर तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ से हमें आगे कंटिन्यू करना था बहुजन समाज पार्टी BSP, इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले सिंबल देख लो। ठीक है, चलो, तो BSP के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कब फॉर्म किया गया BSP को, 1984, ठीक है, 1984 को फॉर्म किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। कांशीराम के लीडरशिप के नीचे BSP पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया गया। अब ये क्या करना चाहते हैं, ये पावर सिक्योर करना चाहते हैं बहुजन समाज के लिए, ठीक है, दलित्स के लिए, आदिवासीज, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए। तो इनका मेन मकसद क्या है, ये लोग ऑप्रेस्ड लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें दलित्स की, ट्राइबल्स, आदिवासीज मतलब ट्राइबल्स की, OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस की, रिलीजियस माइनॉरिटीज की, तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग माइनॉरिटी में हैं, ठीक है, एंड इनको ज़्यादा हक नहीं मिल रहे हैं हमारे सोसाइटी में, विच इज़ रॉन्ग। तो ये जो BSP पॉलिटिकल पार्टी है, इनका मेन मकसद क्या है कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करना है, इन लोगों को भी पावर दिलाना है। ठीक है, तो ये इन लोगों का मेन एम है। अब इन लोगों को इस चीज़ की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लीडर्स आए जो अलग अलग हमें इंस्पिरेशन देके गए, जैसे कि साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामस्वामी नायकर, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर। तो इन सारे लीडर्स ने, आप, मुझे लगता है अगर और कोई नाम नहीं पता तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुन के आपको समझ आ गया होगा कि ये कुछ हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री में माइनॉरिटीज़ के लिए, लोअर कास्ट के लिए बहुत कुछ कहा है। ठीक है, कि लोअर कास्ट को प्रमोट करो, लोअर कास्ट को सेम इक्वल राइट्स दो, रिजर्वेशन के लिए भी इन लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है, है ना। तो इस पॉलिटिकल पार्टी को, BSP को, इन्हीं सारे लीडर से इंस्पिरेशन मिली कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। इंडिया में हमें माइनॉरिटीज़ को, वीकर सेक्शंस को, आदिवासीज को, OBCs को भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो इनका मेन कॉज क्या है, वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल, ऐसे लोग जिनको हिस्ट्री में हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत ऑप्रेस करा है, जिनसे अपॉर्चुनिटीज बहुत छीनी गई हैं, उनका वेलफेयर कराना इनका मेन एम है। ठीक है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में इन लोगों का मेन बेस है। और हम देखते हैं कि आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब, इन सारे स्टेट्स में भी BSP की बहुत बढ़िया प्रेजेंस है। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने काफ़ी बार गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी है। अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें जो कि 2004 में हुआ था, तो इन लोगों को कुछ 5% वोट्स मिलते हैं और लोकसभा में 19 सीट्स ये लोग सिक्योर करते हैं। ठीक है, तो ये तो BSP के बारे में था। नेक्स्ट हम एक और पॉलिटिकल पार्टी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, जल्दी जल्दी थम्स अप डाल दो कमेंट सेक्शन में। एंड थम्स अप भी नहीं, आपको पता है ना इन्फर्नो कोर्स का रूल क्या है, अगर समझ आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी भेज दो, क्योंकि इन्फर्नो कोर्स चल रहा है तो मतलब वो फायर वाला जोश दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर है, जल्दी से एक बार फायर इमोजीज को भेज दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ तक तो सुपर इजी है सब कुछ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
सुपर इजी से याद आया, इन जनरल ये चैप्टर आपका इजी है ना, कंपेयर टू हिस्ट्री जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करा है, ये चैप्टर इजी है। आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नाइन्थ और एट्थ में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना सब आता है इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक दिन पहले पढ़ लेंगे। अगर चैप्टर ईजी है तो भी उसे इक्वल कंसंट्रेशन दो। ईजी चैप्टर का मतलब है हम ज़्यादा मार्क्स निकाल सकते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM। CPIM के बारे में पढ़ते हैं, 1964 में फाउंड किया गया था इस पॉलिटिकल पार्टी को, और इनका किस चीज़ के ऊपर विश्वास है, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के ऊपर, ठीक है। तो अब ये क्या है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, थोड़ा बहुत क्लास नाइन्थ को याद करो, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था मेरे साथ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन में हमें किसके बारे में बताया जाता है, कार्ल मार्क्स के बारे में बताया जाता है कि कार्ल मार्क्स एक थिंकर थे जिनका सोशलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो मार्क्सिज्म का क्या मतलब है, कार्ल मार्क्स की जो भी थिंकिंग थी, जो भी प्रिंसिपल्स थे, उसको हम मार्क्सिज्म कहते हैं। तो CPIM का मार्क्सिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था और लेनिनिज्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। अब लेनिनिज्म क्या है, हमने पढ़ा था कि रशिया में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम था, बोल्शेविक। बोल्शेविक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का नाम था लेनिन। अब लेनिन की जो भी थिंकिंग थी, जो भी प्रिंसिपल्स थे, उसको हम क्या कहते हैं, लेनिनिज्म कहते हैं। तो लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है CPIM पॉलिटिकल पार्टी का। तो अगर देखो, अगर ये लोग कार्ल मार्क्स और लेनिन की बात के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो कार्ल मार्क्स और लेनिन तो हमेशा से ही सोशलिज्म के बारे में बोलते आए हैं, है ना। तो इन लोगों का सोशलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। और क्या था सोशलिज्म, सोशलिज्म कुछ नहीं है, एक थिंकिंग है कि अगर सोसाइटी में लोग हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता वो अमीर हैं, गरीब हैं, कैसे हैं, अगर आप कोई रिसोर्स बांट रहे हो लोगों में तो सबको बराबर तरीके से दो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोशलिज्म, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है CPIM, ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, ठीक है। इंपीरियलिज्म के खिलाफ है ये, इंपीरियलिज्म मतलब दूसरे कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर लेना नेशनलिज्म का नाम लेके, तो उसके खिलाफ है ये, पर सोशलिज्म को ये लोग सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन को ये मानते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीका है, एंड ये मानते हैं कि इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में इंडिया में इंसाफ या जस्टिस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये CPIM का मानना है। अब ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे इनका सपोर्ट बेस थोड़ा ज़्यादा है। तो वैसे CPIM का लोगो ये, सिंबल ये है, ठीक है। चलो, तो वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इनका जो सपोर्ट बेस है वो ज़्यादा है। एस्पेशली हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ये सारे लोग थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं CPIM को। और इसका कारण क्या है, हमें पता है कि सोशलिज्म के थ्रू वर्कर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, है ना। तो सोशलिज्म वर्कर्स, फार्मर्स, लेबरर्स, इन सारे लोगों के लिए ही बनाया गया था। तो इस वजह से जो पुअर लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो सब CPIM को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि CPIM सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ इंटेलिजेंसिया के लोग भी सपोर्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है, ऐसे लोग जो थोड़े इंटेलिजेंट हैं, थोड़े वाइज हैं, जिनको मतलब थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज है, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं जिनमें कहा जाता है कि फॉरेन कैपिटल का फ्री फ्लो होने दो कंट्री में, ठीक है, इंडिया में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको और बढ़ने दो, ठीक है, आने दो, इस टाइप की पॉलिसीज़ को ये लोग डिसलाइक करते हैं, ये लोग पसंद नहीं करते। और हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में ये लोग काफ़ी टाइम से विदाउट ब्रेक पावर में रहे हैं, विच इज़ मतलब बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं CPI की,
है ना, आपको लग रहा होगा अभी CPIM पढ़ा, अब खाली CPI पढ़ रहे हैं. ओके, सो ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है. ऐसा नहीं सोच लेना कि M तो ऐसे ही लगा दिया क्योंकि वो मार्क्सिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं. दोनों अलग अलग पार्टीज हैं, CPIM अलग है, CPI अलग है. CPI की भी फुल फॉर्म तो मतलब सेम ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. 1925 में इसको फॉर्म किया गया था. और देखो इनका भी मतलब सेम ही विश्वास है, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं. कंट्री में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, ठीक है. और पार्लियामेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं. अब CPIM से ही CPI बना था, ठीक है. तो हम देखते हैं कि CPIM, हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ लिया, आगे जाके क्या होता है, कुछ लोग इस पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो जाते हैं और वो अपना खुद का एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं CPI. तो इसीलिए इन दोनों के नाम सेम है, क्योंकि CPI के लोग ओरिजिनली CPIM में थे, आगे जाके उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो अलग चले जाते हैं और अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं. CPI नाम होता है इस पार्टी का. एंड केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मतलब ऑलमोस्ट हमारे सदर्न इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, और फिर वेस्ट बंगाल और पंजाब में हम देखते हैं कि इनका प्रेजेंस थोड़ा ज़्यादा है. देखो सिंबल भी काफ़ी सिमिलर सा है CPI और CPIM का, ठीक है, सिमिलर सा सिंबल है. चलो, तो अब हमने कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में तो इन डिटेल समझ लिया है, अब हम थोड़ा स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. उससे पहले अगर आप बच्चों को यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी जल्दी थम्स अप डाल दो. नहीं सॉरी, थम्स अप नहीं डालना आप बच्चों को, हाँ जल्दी जल्दी फायर इमोजीज भेज दो अगर यहाँ तक क्लियर है तो, ठीक है. कोई डाउट है तो भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में डाल दो. ओके, क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं आ रही है. आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में समझते हैं. ओके, सो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे इंडिया में, उनको क्लासिफाई करा है हमारे इलेक्शन कमीशन ने एज स्टेट पार्टीज, ठीक है. तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हैं. स्टेट पार्टी को ही अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, रीजनल पार्टी कहते हैं. तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रीजनल पार्टी के बारे में कुछ बताओ, तब भी आपको यही लिखना है. अगर क्वेश्चन आ जाए कि नहीं स्टेट पार्टी के बारे में कुछ बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है. रीजनल और स्टेट पार्टीज दोनों सेम हैं, ठीक है. अब देखो, जस्ट बिकॉज किसी पार्टी को कह दिया गया है कि तुम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आउटलुक, उनका आइडियोलॉजी स्टेट से ही लिमिटेड होगा. हो सकता है, चलो हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल को उठा लेते हैं, डाउटनेट बच्चा पार्टी. हो सकता है हमको कल इलेक्शन कमीशन कह दे कि तुम लोग लिमिटेड हो, तुम लोग यूपी में ही हो, ठीक है, तुम्हें हम कह रहे हैं कि तुम यूपी की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ यूपी के बारे में ही बोलते रहेंगे. ऐसा हो सकता है कि हम सारे लोग मिलके सोचे कि नहीं, स्कूल तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे इंडिया में खोलने हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट. तो हम पूरे इंडिया के बारे में आउटलुक रख सकते हैं, पर हाँ, इलेक्शन कमीशन के लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग नेशनल हैं या स्टेट इलेक्शन, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, बेस्ड ऑन आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. चलो, तो अब इनमें से कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा स्टेट में सक्सेसफुली रूल करा है, ठीक है, पावर में रहे हैं, ठीक है. कुछ पार्टीज हैं जिनका नाम आपने डेफिनेटली सुन रखा है, समाजवादी पार्टी, ठीक है, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है. तो ये ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको मतलब कहा जाता है कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हैं, फिर भी इनका एक नेशनल प्रेजेंस है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग स्टेट्स में लोगों को नाम पता होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज का. अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि बीजू जनता दल, ठीक है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ ऐसे फ्रंट्स हैं जो अपने स्टेट को लेके ज़्यादा ओरिएंटेड हैं. उन्होंने ओपनली कह रखा है कि हम अपने स्टेट को लेके, ठीक है, हमें अपनी स्टेट आइडेंटिटी को लेके थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियसनेस है. चलो, तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ 30 ईयर्स के अंदर
30-50 ईयर्स के अंदर हम देखते हैं कि जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये अपने पावर को एक्सपैंड कर रहे हैं. स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ धीरे धीरे थोड़े और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. अगर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज और बनेंगे और स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा, हमारे पार्लियामेंट में डाइवर्सिटी आएगी. पार्लियामेंट में अलग अलग स्टेट के ओपिनियंस को हम लोग देख पाएंगे. तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में डाइवर्सिटी बढ़ रही है. ठीक है, तो किसी एक नेशनल पार्टी के लिए अकेले मेजॉरिटी लोकसभा में लाना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है. तो हम लोग देखते हैं कि अब देखो, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अकेले कोई कंपटीशन जीतना मुश्किल हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा. हम देखेंगे कि जैसे अगर मेरे लिए अकेले कुछ काम करना मुश्किल हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों की हेल्प लूँगी, है ना. तो सेम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी करते हैं. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अकेले जीतना मुश्किल हो रहा है तो वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हेल्प लेगी. ठीक है, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कहेगी कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों साथ में मिलके काम करते हैं. एंड इस टाइप की गवर्नमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट. कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, अलग अलग पार्टीज साथ में मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं. हमें पता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट थोड़ा मेसी होता है ना. अब मान लो दो तीन पॉलिटिकल पार्टी साथ में काम कर रहे हैं तो उनके लीडर्स के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होगा. एक लीडर कहेगा कि नहीं मेरी सुनो, दूसरा लीडर कहेगा नहीं मेरी सुनो. तो थोड़ा मैसी होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नो डाउट. बट कोएलिशन गवर्नमेंट का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ठीक है मैसी होगा, लोग ज़्यादा लड़ाई करेंगे, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगा, पर डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगा. ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा ओपिनियन, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर अ डेमोक्रेसी. ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, कोएलिशन जब बनता है हमारे कंट्री में, हम कहते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारे इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है. ओके, चलो, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी अब हम काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुके हैं. तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज. जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस टाइप का चैलेंज फेस कर रहे हैं. ठीक है, चलो, तो हम देखते हैं कि ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि अक्सर क्या होता है, लोगों को लगता है डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, है ना. सबको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये सब नहीं पता होता, लोगों को बस इतना इन जनरल पता होता है कि मतलब राजनीति मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी, है ना. तो जब भी इंडिया में कुछ गलत होता है लोग क्या करते हैं, लोग पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि इस पार्टी की गलती है तभी इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. ठीक है, सो विच इज़ रॉन्ग, है ना. कई बार हाँ पॉलिटिकल पार्टी की गलती होती है, कई बार शायद नहीं भी होती, पर हाँ डेमोक्रेसी में एक बढ़िया बात यह है कि हम लोग ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं. कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपको गवर्नमेंट के बारे में तो आप बोल सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं. अगर कुछ भी गलत है तो पॉलिटिकल पार्टी की दिक्कत है. तो इन जनरल हम देखते हैं कि जो लोग हैं इंडिया के वो इन चार चीज़ों के लिए लोगों को ब्लेम करते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में. तो फर्स्ट चैलेंज क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़. ठीक है, कई बार पता है क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी बाहर तो सबसे कह रही होती है कि हम लोग डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास रखते हैं, हम इंडिया में डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, पर पार्टी के अंदर लोग खुद डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते. ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि सबके पास इक्वल राइट्स हो, है ना. तो मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसमें 100 लोग हैं. ठीक है, तो अगर ये 100 लोग डेमोक्रेसी को मान के चल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, 100 के 100 लोग बराबर होने चाहिए, इन सब की बात सुनी जानी चाहिए. पर ऐसा होता नहीं है पॉलिटिकल पार्टी में. जनरली क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं कुछ लीडर्स, है ना, और लीडर्स जो कहते हैं ये बाकी 100 लोगों को सुन के चलना होता है. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में जनरली क्या होता है, सारी पावर लीडर के हाथ में होती है, बाकी लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होता, वो लीडर जो कहते हैं वो सुन के चलते हैं.
तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई ना, ये तो राजा रानी के सिस्टम काइंड ऑफ लग रहा है कि एक इंसान ने कुछ कहा, बाकी 100 लोग वो मान के चल रहे हैं बिना उनको क्वेश्चन करे। तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होती, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आप बाहर कह रहे हो कि इंडिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो अपने पार्टी में भी डेमोक्रेसी ला के दिखाओ। तो ये फर्स्ट चैलेंज है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं, कि वो ऊपर ऊपर से डेमोक्रेसी की बातें करते हैं पर इंटरनली उनके पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया जा रहा होता। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। अब क्या होता है डायनेस्टिक सक्सेशन का क्या मतलब होता है, जैसा अगर हम बात करें राजा रानी के सिस्टम की, तो हमें पता है किंग एंड क्वीन के सिस्टम में क्या होता है, अगर एक किंग की डेथ हो जाए तो नेक्स्ट राजा कौन बनता है, रॉयल फैमिली में से ही कोई एक बनेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी फार्मर को उठा के बना देते हैं राजा, नहीं, कोशिश करते हैं कि रॉयल फैमिली में से ही किसी को बनाया जाए। अब इस चीज को थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक करके देखो। मान लो अगेन कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, 100 लोग हैं उसमें और एक लीडर है, ठीक है, एक लीडर और 100 लोग हैं, ठीक है। अब ये जो लीडर है ना, ये थक गए हैं, इनको लगा कि बहुत हो गया, अब मुझे पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेना, ये हटना चाहते हैं अपने पोजीशन से। तो ऐसे में हम एक नया लीडर लाएंगे। नया लीडर किसको बनना चाहिए, इन 100 में से जो भी सबसे टैलेंटेड है, जो भी इंडिया में सबसे बढ़िया काम कर सकता है उनको बनाना चाहिए, है ना। पर अक्सर क्या होता है, ये जो लीडर है ना, पहला लीडर, ये डिसाइड करेगा या करेगी कि नेक्स्ट लीडर मैं किसको बनाऊंगी। ओके, सो अक्सर क्या होता है, लीडर बनाने की पावर लीडर्स के पास ही होती है। तो या तो आप लीडर को बहुत इंप्रेस करके रखो तो आप नेक्स्ट लीडर बन जाओगे, ठीक है। तो एक तरीके से डायनेस्टिक सक्सेशन की तरह ही होता है, जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए हर बार ईजी नहीं होता लीडर बनना पॉलिटिकल पार्टी में। ये दूसरा चैलेंज था, ठीक है। पहला क्या था कि इंटरनली पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को नहीं मानते, दूसरा चैलेंज क्या था कि डायनेस्टिक सक्सेशन चलता है। अब हम देखते हैं थर्ड चैलेंज को, तीसरे चैलेंज को देखते हैं। ओके, अब क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आजकल वो मनी पावर को ग्रो करने की कोशिश में है, ठीक है। तो ये पता हमने देखा भी है, इंडिया में भी देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है इलेक्शन जीतना, ठीक है। सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रू, बहुत ही मतलब सैड बात है पर ये सच है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा पावर है तो उनके लिए बाकी लोगों से कंपेरेटिवली उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इलेक्शन जीतना। तो एक चैलेंज ये है कि आजकल ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मनी पावर के पीछे भाग रहे हैं। ये हमारा थर्ड चैलेंज था। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ चैलेंज। चौथा चैलेंज क्या है, वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। हम काफ़ी बार देखते हैं इलेक्शन में हम लोगों को मतलब जो लोग वोट देने जाते हैं उनके पास कुछ खास चॉइसेस नहीं होते, है ना। तो आइडियली क्या होना चाहिए, चॉइसेस ऐसे होने चाहिए कि हमें मतलब मज़ा आए पॉलिटिकल इलेक्शन में पार्ट लेते टाइम, है ना, कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं किसको वोट दें, मतलब इस टाइप का कन्फ्यूजन चलता है। पर आजकल क्या होने लग गया, हमें लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी सेम है, ठीक है, सब एक जैसी चीज़ें करते हैं, जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को जिता लो, करना सबको सेम काम है। तो इस टाइप की फीलिंग आने लगी है हम वोटर्स के अंदर, तो हम इलेक्शन को, ऐसे में लोग इलेक्शंस को थोड़ा इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं कि सब ही सेम है, कोई भी जीत जाए फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सबको सेम ही हरकतें दिखानी है। तो एक फोर्थ चैलेंज ये है कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज हमको ज़्यादा चॉइस नहीं दे रहे हैं, ये भी एक दिक्कत है। ओके, चलो, सो ये फोर्थ चैलेंज है। नेक्स्ट, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ठीक है, इस टॉपिक को अब हम समझते हैं। अब हमने ये सारे चैलेंजेस को पढ़ लिया, इंडिया में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये हमने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो हमें पता चल गया पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम इनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं,
क्या कोई तरीका है जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज को बेटर बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। उससे पहले अगर यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन को भर दो फायर इमोजी से, ठीक है, आग लगा दो कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चल जाए हमारे बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया है। ओके, ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है, सब कुछ इजी पीजी लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, हम कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को बदल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चीज पूछी जा रही है, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि चलो पॉलिटिकल पार्टी को बदलते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, पर क्या पॉलिटिकल पार्टी के लोग खुद बदलाव चाहते हैं, क्या वो खुद बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो किया क्यों नहीं उन्होंने, ठीक है, तो अगर वो बदलना चाहते हैं तो अब तक उनको कौन रोक रहा था, अब तक बदल लेते अपने आप को, थोड़ा और बेटर कर लेते। तो अगर वो बदलाव चाहते हैं तो अभी तक उन्होंने बदला क्यों नहीं अपने तरीकों को? और अगर वो नहीं चाहते, मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो बदलना ही नहीं चाहते, उनको लग रहा है कि वो मस्त हरकतें दिखा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम उनको फोर्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, अपने आप को बदलो? ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता है कि मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको लगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा, वो चार चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अगले साल जब फिर से इलेक्शन होगा वोट मत देना, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी। ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आई वो भी सेम निकले, है ना, आप ऐसा हो सकता है कि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट ना दें ये सोच के कि ये पॉलिटिकल पार्टी खराब है, पर कुछ साल के बाद जब फिर से इलेक्शन हो तो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आ जाओ और वो भी खराब निकले। तो ऐसे में हम क्या करें, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही खराब चल रही हैं तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हमने कुछ चीज़ें करी हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमने क्या करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना मतलब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है, हमें लग रहा है कि हम इसे और बेहतर कर सकते हैं, तो ऐसे में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान के कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो हमने कुछ ऐसे बदलाव करें ताकि हम पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सुधार सकें। ठीक है, क्या बदलाव करा हमने संविधान में, हमने थोड़ा अमेंडमेंट करा और हमने ऐसे संविधान में लिखवा दिया कि जो इलेक्टेड MLAs हैं और जो MPs हैं वो पॉलिटिकल पार्टी जल्दी नहीं बदल सकते, आसानी से नहीं बदल सकते। ठीक है, तो अगर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो लोग पॉलिटिकल पार्टी पैसों के चक्कर में नहीं बदल सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने उन्हें कुछ पैसे दिए, कल को BJP ने आके कहा हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं हमारे पास आ जाओ, तो वो झट से बदल नहीं सकते पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो इसका तो मतलब हुआ कि वो इंसान पैसों के लिए काम कर रहा है सिर्फ। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके डाल दिया कि MLA और MP जिनका इलेक्शन हो चुका है वो पार्टीज को इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, और हमने कहा कि इस चीज़ को वैसे डिफेक्शन कहते हैं, डिफेक्शन मतलब पैसों के लिए अगर आप अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले जाओ। तो एक टाइम ऐसा था जब बहुत सारे लोग ऐसा करने लग गए थे, लोग कैश रिवॉर्ड्स के चक्कर में, ठीक है, पैसों के चक्कर में झट से पार्टी बदल के दूसरी जगह दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो हमने संविधान में लिखवा दिया कि नहीं, ऐसा करना ही अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास करा है और इस ऑर्डर के थ्रू हमने कोशिश करी है कि हम मनी का इन्फ्लुएंस कम कर पाए। कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद ये नहीं है कि तुम्हें पैसों के पीछे भागना है तभी तुम जीत पाओगे, तो मनी पावर को कम करने की कोशिश हमारे सुप्रीम कोर्ट ने करी है और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस भी कम करने की हमने कोशिश करी है। हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर हमारे सिस्टम में क्रिमिनल्स आए, तो क्रिमिनल्स और मनी पावर को हमने कम करने की कोशिश करी है, पर हमने कोई प्रॉपर तरीका नहीं बनाया अभी, ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोगों से फॉर्म भरवा लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी
आपने अपने लाइफ में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है क्या, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम निकलवा लेते हैं। पर अब ये लोग सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ये सब पता लगाने का हमने कोई सिस्टम क्लियरली निकाला नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करा हमारे इलेक्शन कमीशन ने, कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, दे हैव टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा पॉलिटिकल पार्टी से कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज ने करना स्टार्ट कर दिया, पर काफ़ी टाइम ये एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में चल रही हैं, जिसके थ्रू हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो चल रहा है वो हमें अक्सर पता नहीं होता, ठीक है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोग डेमोक्रेसी को मान के नहीं चलते, तो क्यों ना हम कोई कानून बना दें, हम कोई लॉ बना दें, और इस लॉ में, इस लॉ के थ्रू हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। हमने नेक्स्ट ये भी सोचा कि हमें ये कंपल्सरी कर देना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा तरीका ये होगा कि हम कंपल्सरी कर दें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है अपने सारे मेंबर्स का, और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटिकल पार्टी का संविधान बनाना है, ठीक है। तो जैसे संविधान का मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलग है, तो अगर मैं क्लासरूम का संविधान बनाना चाहूँ कि आप मेरे क्लास में टाइम से आओ, होमवर्क करो, ठीक है, स्पैमिंग मत करो, तो ये रूल्स क्या होंगे, ये हमारे क्लास के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। तो एक सजेशन हमारा ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को ले लो जो जज की तरह काम करेगा अगर पार्टी के अंदर कोई दिक्कत आए, ठीक है। पार्टी के अंदर अगर लोग लड़ रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट जज को ले आओ इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सजेशंस हैं, ठीक है। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। हमें ये मैंडेटरी कर देना चाहिए, ठीक है, हमें एक रूल बना देना चाहिए कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स जो है 1/3 जो टिकट्स हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स को भी देने, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कहा जा रहा है वुमेन कैंडिडेट्स को प्रमोट करना है, ठीक है। तो अबाउट 1/3 जो टिकट्स हैं वो वुमेन के लिए होनी चाहिए, ये भी एक सजेशन है हमारा, ठीक है। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। सिमिलरली अगर डिसीजन मेकिंग कोई बॉडी बनाई जा रही है पार्टी के अंदर ही, तो उसमें भी वुमेन के लिए एक सेपरेट कोटा होना चाहिए, क्योंकि देखो ये चीज़ अगेन हम में से हम सबको ही पता है कि वुमेन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, है ना। ऑफ कोर्स अब तो बहुत सारी हमारी वुमेन लीडर्स आ गई हैं, पर फिर भी कंपैरेटिवली वुमेन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे रूल्स लेके आने चाहिए जिसके थ्रू हम लोग वुमेन को एंकरेज कर पाए, ठीक है। अब ये जो सजेशंस हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक एक्सेप्ट करे नहीं हैं, पर हाँ जब भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इन सजेशंस को मानेंगी तब शायद हमारे सिस्टम में थोड़ा बदलाव आ सकता है। तो अभी हमने जो कुछ पॉइंट्स पढ़े ये सिर्फ सजेशंस हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करके देख सकते हैं, पर इन सजेशंस को अभी तक किसी ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको मान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो पर जब भी मानेंगे तब इंडिया में डेफिनेटली बदलाव आएगा, ओके। चलो तो यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है क्या? अब हम एक नेक्स्ट, मतलब एक फाइनल छोटा सा टॉपिक मुझे आप बच्चों को समझाना है। अगर उससे पहले आप बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, जल्दी जल्दी फायर इमोजीज भेज दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हाँ जल्दी जल्दी फायर इमोजीज भेज दो, मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, इजी लग रहा है यहाँ तक सब कुछ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन,
इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर आप डेमोक्रेसी के क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सिस्टम में बदलाव आए तो आपको एक्टिवली पार्ट लेना पड़ेगा उस बदलाव को लाने के लिए। तो जब तक हम सिटीजन्स कुछ नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि पॉलिटिकल पार्टी में कोई बदलाव आए तो सिटीजन्स को वो बदलाव लाना होगा। इंडिया के सारे सिटीजन्स को मिलके ये चीज़ कहनी होगी कि बदलो सिस्टम को। तो जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन रहेगा, पब्लिक आवाज़ रेज करेगी, तब तक ही हम लोग रिफॉर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। हाँ, तो लास्ट पॉइंट जो कि मैं चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर में याद रखो कि हम लोग बात तो कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से काम नहीं कर रही, बदलना है सिस्टम को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे सिस्टम में, पर सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू पार्टिसिपेट इन इट, है ना। हमें पार्ट लेके सिस्टम को बदलने की कोशिश करनी है। इसीलिए आप सारे बच्चों को ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं ताकि फ्यूचर में जब आप लोग लीडर्स बनो, ठीक है, जब आप थोड़े और बड़े हो जाओ तो आप इंडिया में एक मतलब कुछ ऐसा कर पाओ जिसके थ्रू आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो एंड सिस्टम को चेंज करो, ओके। चलो, तो फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स का एक चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है एंड सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर था एंड ईजी भी था कंपेरेटिवली। सो आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप बच्चों के लिए लेके आई हूँ, या आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, तो ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। चैप्टर तो ख़त्म कर लिया, चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में से ना वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कुछ ऐसा बहुत घुमा फिरा के आपसे पूछ नहीं सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। आपसे पूछा है कि कुछ ऐसे फंक्शंस बताओ जो कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में करा था, मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ आप बच्चों को। तो इसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो एंड मैंने आपको ये भी बताया था अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कम नंबर में आता है तो आपको पूरे 2-3 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखा और अंडरलाइन कर रखा है। तो अगर आप उतना भी 7 पॉइंट लिख के आ जाते हो, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। पर हाँ, अगर लॉन्ग आंसर्स में आता है तब तो आपको थोड़ा और उन पॉइंट्स को लिखने के बाद एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल्स के साथ। अगर कम नंबर में आता है, छोटे छोटे 7 पॉइंट लिख दो जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर्स होंगे इसके, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। इसमें पॉइंट 1 लिखना कि पार्टीज का एक फंक्शन होता है कि वो इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, ईजी। एक फंक्शन तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है कि वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। अब इलेक्शन में पार्ट कैसे लेते हैं वो कंट्री टू कंट्री बदल जाता है, ठीक है। यूएसए के पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा अलग सिस्टम होता है इलेक्शन में पार्ट लेने का, इंडिया में थोड़ा सा अलग होता है कैंडिडेट्स चूज करने का तरीका। तो कंट्री टू कंट्री इलेक्शन, कैंडिडेट्स चूज करने का तरीका, ये सब थोड़ा बहुत बदल जाता है। नेक्स्ट, और क्या फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग पॉलिसीज को सामने रखती है एंड वोटर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉलिसी बढ़िया है, और जो पॉलिसी उनको बढ़िया लगती है उस पॉलिटिकल पार्टी को वो लोग वोट देते हैं। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्री के लिए कानून बनाने में भी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्री के लिए लॉज बनाते टाइम भी। तो हमें पता है लेजिस्लेचर का काम होता है कंट्री के लिए लॉज बनाना, पॉलिटिकल पार्टीज इवेंचुअली लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाती हैं, लेजिस्लेटिव का पार्ट बनती है, तो वो इनडायरेक्टली हमारे कंट्री के लिए लॉज बनाना उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। दे फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाए तो वो गवर्नमेंट का पार्ट बनेगी। सो दे फॉर्म दी गवर्नमेंट एंड रन दी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फॉर्म करना, गवर्नमेंट रन करना, ये भी इन लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। अब देखो, हमें अक्सर क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है वही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हार गई तो हम मानते हैं कि ये तो मतलब कुछ
इतना इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये तो हार गए, अब इनका कोई रोल नहीं है। तो ये थिंकिंग गलत है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाए तब भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सिस्टम में। ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं हम इनको, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी के लोग क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई मतलब रूलिंग पार्टी, उनकी गलतियां निकालते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि ध्यान दो, ये लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं। ये लोग रूलिंग पार्टी को ये भी बताते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, लोग क्या चाहते हैं। तो ऑपोजिशन पार्टी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बनाने में भी पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे इंडिया में क्या चीज़ होनी चाहिए, किन पॉलिसीज की ज़रूरत है, अलग अलग कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू पता लगती हैं, ठीक है। तो ये हमारे ओपिनियन को भी शेप करते हैं, ठीक है। फिर पॉलिटिकल पार्टी के लोग और क्या करते हैं, ये लोग हमारे लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, स्कीम्स लेके आते हैं, वेलफेयर स्कीम्स लेके आते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ठीक है। तो 7 पॉइंट है आपके बुक में। अगर कम मार्क्स में आए तो डायरेक्ट 7 पॉइंट लिख दो, थोड़ा लॉन्ग आंसर्स में आए तो 7 पॉइंट को थोड़ा थोड़ा समझा देना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें आप लोगों ने समझ तो लिया है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पर हिंदी में तो आप लिख के नहीं आओगे ना, आपको प्रॉपर बुकिश तरीके में थोड़ा लिखना होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी। कुछ लोगों का ग्रुप, ठीक है, जिनके सिमिलर व्यूज़ हैं, जो कंट्री के लिए, सारे लोग सोच रहे हैं कि हमें कंट्री के लिए ये चीज़ करनी है। तो कुछ लोगों का ग्रुप जिनका सिमिलर माइंडसेट है, सिमिलर व्यू है, और इनका मकसद क्या है कि इलेक्शन में पार्ट लेना है, इलेक्शन जीतना है और गवर्नमेंट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा डेफिनेटली आ सकता है, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, एक और चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है, एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, क्रैश कोर्स चल रहा है आपका। हिस्ट्री का एक चैप्टर हो चुका है, सिविक्स का एक चैप्टर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीक टाइमिंग क्या है, फ्राइडे और सैटरडे 6:45 PM हम लोग एक और किसी चैप्टर को फिनिश करेंगे। यही तरीका होगा कि आधे चैप्टर को फ्राइडे पढ़ेंगे, बाकी आधे चैप्टर को सैटरडे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक और किसी चैप्टर को हम लोग फ्राइडे और सैटरडे फिनिश करेंगे, पर हाँ उसमें अभी है टाइम, तो तब तक आप लोग हिस्ट्री और सिविक्स का ये चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि हम कवर कर चुके हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। साथ ही साथ जो भी बच्चे हैं क्लास में, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे हम लोग आपके टर्म 2 की तैयारी करा रहे हैं। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।